दोस्तों, मैं 2-4 10 दिन से वीडियो नहीं बना पा रहा था। थोड़ा प्रॉब्लम था तो वह चक्कर में वीडियो नहीं बना पा रहा था। देखिए, आज फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस अफर्मेटिव करवाने जा रहा हूँ। और देखिए, सॉरी क्षमा चाहता हूँ क्योंकि मैंने वीडियो नहीं डाल पाया हूँ। तो देखिए, आज फ्यूचर इंडेफिनिट अफर्मेटिव सेंटेंस कराना चाहता हूँ। इसकी आइडेंटिफिकेशन है गागी के आदि शब्द आएंगे और रूल है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, बिलिया सेल प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अगर देखो वीडियो अच्छा लगे और बिल्कुल समझ में आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, देखते हैं। अब इसका एग्जाम्पल है, हिंदी में एग्जाम्पल है। पहले इसको सेंटेंस को बनाने का रूल और नियम थोड़ा समझ लेते हैं। देखो, जिस शब्द में लगेगा, सब में लगेगा और जे लगेगा बी के साथ में। बी होता है हम। जब हम शब्द आएगा तो लगाएंगे सेल और सब में लगेगा बिल। सब में किस में? आई आई के साथ में भी लगेगा, ही में, सी में, इट में, नेम में, किसी में भी, दे में भी, सब में। और बी में लगेगा हम, सेल लगेगा। देखते हैं कैसे आ गया। हम खाना खाएंगे, हम खाना खाएंगे तो आ गया बी। तो देखो बी आ गया, सब्जेक्ट हो गया बी। अब हेल्पिंग वर्ब बिल आ गया, सेल आ गया, तो सेल आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि हमें, तो लिख देंगे सेल। और खाना खाते हैं तो खाना खाएंगी, तो खाना मेन वर्ब हो गया, तो ईट हो गया और फूड मतलब भोजन हो गया। अब जी जी सेंटेंस आ जाता, वह गाना गाना गाएगी, गाना गाएगी, तो कैसे बनता? सी, अब सब्जेक्ट हो गया सी, अब सिंगुलर है तो बिल आएगा, तो बिल, सी बिल। और सिंग ए सॉन्ग, सिंग ए सॉन्ग। अब ये तो हो गया अफर्मेटिव। मान लो नेगेटिव होता तो नेगेटिव भी बन जाएगा, नेगेटिव भी बन जाएगा, तीसरे स्थान पर नॉट आ जाएगा। इसको और आगे बढ़ा लेते हैं, तो तीसरे स्थान पर नॉट आ जाएगा इधर, और प्लस आ जाएगा मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखते हैं, मान लो एग्जाम्पल में आ जाता, वह खाना नहीं खाएगी, वह खाना नहीं खाएगी, तो बन जाता सी विल और नॉट। तीसरे स्थान पर नॉट लगेगा क्योंकि तीसरे स्थान पर सब्जेक्ट हो गया सी, हेल्पिंग वर्ब हो गया विल, तीसरे स्थान पर नॉट और ईट और फूड। अब मान लो जे नेगेटिव हो गया, अब जे नेगेटिव हो गया, तीसरे स्थान पर नॉट आ गया, तो जहां तो नेगेटिव हो जाएगा। अब मान लो इंटरोगेटिव हो जाता तो हेल्पिंग वर्ब पहले निकाल देते, इंटरोगेटिव हो जाता तो हेल्पिंग वर्ब पहले निकाल देते। कैसे निकल गया था? क्या वह खाना खाएगी, तो बन जाता बिल सी नॉट और बिल सी ईट फूड, नॉट नहीं आएगा, ईट फूड और क्वेश्चन मार्क। अगर देखो क्या वह खाना खाएगी, अगर नेगेटिव इज तो इंटरोगेटिव हो गया, अगर इंटरोगेटिव नेगेटिव होता तो तीसरे स्थान पे नोट आ जाता और इधर आ जाता क्या वह खाना नहीं खाएगी, तो जहां जाता नहीं। ठीक है, तो जे फ्यूचर इंडेफिनिट पूरा हो गया है। और देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगला।